सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक द्वारा लगभग 50 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के साथ इस बार भी जमुना चौक दुर्गा सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा मां के 9 रूपों की भव्य प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से 9 दिन तक पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में अष्टमी तिथि पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन पूजन किया गया। इसके बाद देवी स्वरूप नव कन्याओं का भोज कराया गया। समिति के सदस्यों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। मां दुर्गा के दर्शन लाभ के लिए जमुना चौक सार्वजनिक दुर्गा समिति में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ये हमारा जय मां दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक श्रीतान है और विगत लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज हम सभी महाअष्टमी और महानवमी दोनों एक ही साथ है तो दोनों मना रहे हैं और यहाँ पे पूजा पाठ हवन वगैरह का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है और कन्या पूजा हो चुकी है और भंडारा स्टार्ट हो गया है और हम सब यहाँ पे माता रानी की आराधना में अपना 9 दिन बहुत ही अच्छे से बिताए हैं और सभी वो माता रानी अपना आशीर्वाद प्रदान करे ऐसी हमारी कामना है और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पास 9 दिन से नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। आज अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ा है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करते हैं और आज नवमी को महासिद्धिदात्री का ही है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन है और 9 कन्याओं का पूजन करके हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। ये जो है समिति हमारा जो है जमुना चौक के नाम से है और सार्वजनिक है और विगत 50 वर्षों से यहाँ पास हम लोग धूमधाम से नवरात्रि मना रहे हैं और देवी की यहाँ पास आराधना कर रहे हैं। मनोकामना हाँ, हम लोग 9 दिन से नवरात्रि उपवास हैं और यहाँ पास गरबे का भी आयोजन किया गया है और सभी महिलाओं ने बढ़िया सबका सहयोग रहा और सबके सहयोग से कार्यक्रम जो है सफल रहा। अभी क्या कार्यक्रम है? अभी जो है भंडारे का आयोजन है 9 कन्याओं का पूजन के बाद यहाँ पास जो है सभी के लिए भंडारे का आयोजन है। सभी अपना अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस तरह से नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न होगा। माँ दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक विगत 50 वर्षों से यहाँ पे माता रानी विराजित हो रही हैं और मोहल्ले के समस्त नागरिक और जितने भी श्रद्धालुजन हैं इसमें सतत निरंतर सहयोग करते रहे हैं और हमारी यहाँ पे जो सेवा जो चल रही है आज नवमी के दिन माता रानी का हवन का कार्यक्रम और भंडारे का जो भोग लगता है वह अतुलनीय रहता है। यहाँ पे माता रानी की कृपा से हम सभी समिति के सदस्य भक्तजन मोहल्ले वाले हमेशा सुखी रहे हैं और माता रानी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माता की। हमारा जय माता।